Hello, welcome to Arbind Singh Academy. We are going to discuss today inverse trigonometry. This is a video lecture number 4. I hope you have already watched part 1 to part 3 before watching part 4. इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एनसीईआरटी के हैं और पिछले लेक्चर में हमने 1 टू 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था. आज क्वेश्चन 8 से डिस्कस करते हैं और इस टॉपिक को आज खत्म करते हैं. तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है. 1 टू 7 हमने डिस्कस कर लिया था, 8 रह गया था. इस क्वेश्चन में क्या है ये देखिए. ये क्वेश्चन है कुछ कि इसको सिंपलीफाई करना था. इसको क्या करना है, सिंपलीफाई करना है. तो सिंपलीफाई सिंपलीफाई करना है. ये पिछले सीरीज का ही क्वेश्चन है. cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड cos x माइनस sin x upon cos x plus sin x. अगर ऊपर नीचे cos से डिवाइड कर दिया जाए इसमें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा. sin x by cos x is tan x upon 1 माइनस plus tan x. आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं जी, tan पाई by 4 लिख सकते हैं, 1 होता है. माइनस टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई वन प्लस वन इंटू टेन एक्स. टेन एक्स को वन इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं, मतलब टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं. अब आपको देखने से ये पता चल रहा होगा कि एक फॉर्मूला बन गया, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी. इसका मतलब ये हो गया कि ये हो गया टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स का फॉर्मूला बन गया. और ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा. थीटा जो है x पाई से कम है तो ये माइनस थ्री पाई बाई फोर पाई से कम है. पाई बाई फोर माइनस पाई ये जो होगा वो किस रेंज में आएगा, ये पाई से कम है tan और पाई बाई फोर माइनस पाई ये होगा थ्री पाई बाई फोर से कम. सो इसका मतलब ये हुआ कि ये उस रेंज में ही आता है. इसलिए अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर माइनस एक्स. और ये हो गया इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट इज आंसर. ठीक है, ओके. सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप जब इस तरह के क्वेश्चन हो तो एक्स को ए साइन थीटा पुट कर ले. तो आप पुट कर लीजिए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा. सो एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बदले आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो दैट विल बी ए स्क्वायर इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब अगर इसका रूट निकालना हो, जरा ध्यान से देखें, ये रूट की बात हो यहाँ पे, जैसे रूट की बात है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके बदले आप ए कॉस थीटा लिख सकते हैं. इसका रूट करेंगे तो ए कॉस थीटा, यानी ये एक्सप्रेशन जो है ये आ जाएगा टैन इनवर्स एक्स के बदले ए साइन थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए कॉस थीटा. सो व्हाट विल हैपन, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन इनवर्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टैन थीटा. और टैन इनवर्स टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा. हमने सब्स्टिट्यूट किया है एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा. सो व्हाट इज दैट, एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, यानी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए. इसलिए इस थीटा के बदले हम लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए. ए एक्स माइनस ए से छोटा है, इसका मतलब है कि ये माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगा. माइनस ए से ए के बीच में लाई करने का मतलब ये हुआ कि एक्स बाई ए जो होगा वो माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा, जो इसका डोमेन होता है. इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी. सिंस ये भी सब ध्यान रखना होता है कि लिखा है ना यहाँ ऊपर में, देखिए ये लिखा है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, mod of x is less than a, it means x lies between minus a to a. इसका मतलब x by a से डिवाइड कर दें
तो ये माइनस ए से ए वन के माइनस वन से वन के बीच में लाई करेगा, और साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो है वो माइनस वन से वन के बीच में क्लोज इंटरवल होता ही है, इसलिए ओपन इंटरवल में भी लाई करेगा, इसलिए ये आंसर है। तो आप एक एक पहलू पे ध्यान दे सकते हैं और समझ सकते हैं, कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं लिखी हुई है, सब चीज का कुछ न कुछ मतलब होता है, हर एक वर्ड कुछ कहता है, ठीक है ना, इसलिए आप इसको ध्यान में रखें। अगला जो सवाल है वो कुछ इस तरह का है, यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक्स क्यू टैन इनवर्स है एक क्यू माइनस थ्री ए, ए है एक क्यू है, इसका मतलब है कि यहाँ एक्स को ए समथिंग पुट करेंगे तो बात बन जाएगी। तो चूंकि एक्स को ए टैन थीटा पुट करें तो ये एक स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर एक, तो ए स्क्वायर इंटू ए मिलके ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा, जो टैन थ्री थीटा का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा। सो द गिवन एक्सप्रेशन इज, द गिवन एक्सप्रेशन विल बी, एक्सप्रेशन विल बी what is tan inverse 3 a square a tan theta minus a q tan q theta, क्योंकि x को a tan theta put किया है तो x q का मतलब हो गया a q tan q theta upon a q minus 3 a tan theta put करेंगे x को, और x square है तो हो जाएगा a square tan square theta, right? ये पूरा इसका मतलब हो गया, ये हो गया tan इनवर्स a स्क्वायर इनटू a q, a q यहां भी है, a q यहां भी है, और a स्क्वायर इनटू a q यहां भी है, यानी a q कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है, तो यहां पे रह जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद हो ये फार्मूला होता है, फार्मूला होता है किसका, tan 3 थीटा का, इसका मतलब हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा, और 3 थीटा किसके बीच में लाई करेगा जी, ये है यहाँ पे लिखा है कि ये माइनस a बाई रूट 3 से a बाई रूट 3 के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए हो गया थीटा, और थीटा का मतलब क्या हुआ यहाँ पे जरा देखे ध्यान से, थीटा का मतलब हो गया tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x by a, तो इसलिए हो गया 3 tan इनवर्स x by a, ये हो गया आंसर। x चूंकि a tan थीटा है, ठीक है ना, तो ये a tan थीटा होने की वजह से यहाँ पे x लाई कर रहा है, मतलब a tan थीटा इसके बीच में लाई कर रहा है, और a tan थीटा अगर इसके बीच में लाई कर रहा है तो 3 थीटा जो होगा x वो होगा किसके किसके बीच में, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ ध्यान से समझ लीजिए थोड़ा, इसको हम ये कह सकते हैं कि x का मतलब क्या हो गया a tan थीटा, तो a tan थीटा इसके बीच में लाई कर रहा है, a tan थीटा लाई कर रहा है किसके बीच में, तो माइनस a बाई रूट 3 से a बाई रूट 3 के बीच में, a से a कैंसिल हो गया, तो tan थीटा लाई कर रहा है माइनस वन रूट 3 से 1 बाई रूट 3 के बीच में, इसका मतलब थीटा जो लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा, माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 के बीच में, बोलिए माइनस पाई बाई 6 से प्लस पाई बाई 6 के बीच में, तो टैन 3 थीटा जो लाई करेगा वो कितना होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, इसलिए ये चीज होगा, ए पॉजिटिव है तो ये उस डोमेन में लाई कर रहा है, इसलिए ये चीजें हो सकती है। तो ये चीज वैसे तो लिखना जरूरी नहीं होता, बट ये लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन अगर ना हो तो इसके कई सारे मतलब हो सकते हैं, इसलिए रिस्ट्रिक्शन दिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ओके। सो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं होती, ये समझने की जरूरत होती है, और इसको कहीं पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना हो तो इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये पाई बाई 2 से ज्यादा हो तो कुछ और बातें होंगी, पाई बाई 2 से कम हो तो कोई और बात होगी, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्शन को क्वेश्चन में दिया जाना जरूरी है, ताकि ये टेक्निकली जो है वो गुड क्वेश्चन हो।
आप 10th क्वेश्चन के बाद, ये क्वेश्चन है 11th, इसको करना है। लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस, अब देखिए बहुत ही आसान है। हम यहां से शुरुआत करेंगे, टैन इनवर्स, आप चाहें तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन चूंकि वैल्यू दी गई है तो इसलिए डायरेक्ट बेहतर होगा कि हम वैल्यू ही निकालें। 2 cos, यहाँ 2 sin इनवर्स 1/2, किसकी वैल्यू होती है 1/2, पाई बाई 6 की। तो sin इनवर्स 1/2 के जगह पे हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos, और ये 2 इंटू पाई बाई 6 यानी पाई बाई 3, तो ये हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं इसी तरह से, ये लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 इंटू कॉस पाई बाई 3 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, ये हो गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है जी, पाई बाई 4, ये हो गया आंसर। तो आंसर हो गया इसका पाई बाई 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, देखिए tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, आप फॉर्मूला सीख चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। सो इसलिए tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a को भी हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और cot पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसलिए आंसर हो गया 0। ये बहुत ही आसान सवाल था, इसको और कोई इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। अब ये सवाल है, जरा इस पे गौर फरमाइए। देखिए x को पुट कर लेते हैं tan थीटा, या tan a लिख देते हैं, थोड़ा अलग सिंबल इस्तेमाल करते हैं। x इज इक्वल टू tan a, y इज इक्वल टू tan b, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ये हो गया tan 1/2 tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हो गया, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स, ये 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये साइन 2a का फॉर्मूला है ना, और ये है cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b, ये cos 2b का फॉर्मूला है। तो ये लिख सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये हो जाएगा tan 1/2 साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, 2a हो गया, और cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो 2b हो गया। 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan a plus b। अब tan a plus b का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b, ये होता है। tan a क्या है जी, x, तो लिख देंगे x plus y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो आई होप ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं था, बड़ा ही आसान था, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ निकालनी, जरा ध्यान से देखें कि इस साइन को इधर ले आए तो ये साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, ठीक है। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2, तो ये हो गया कॉस इनवर्स x, और ये हो गया पाई बाई 2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नाउ साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा लिख सकते हैं।
या आप चाहें तो इसको उधर ले जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स को इधर रहने दें और उधर ले जाएं 1/5, क्योंकि एक्स के बारे में अभी हमें पता नहीं है कि एक्स कितना है। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स 1/5। आपको फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू होता है, तो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इज कॉस इनवर्स 1/5। और इधर है कॉस इनवर्स एक्स, इसका मतलब हुआ क्या कि एक्स कितना है 1/5, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1/5। ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। इसमें लिखा है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाई फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई, यही है ना फॉर्मूला हमारा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, इज इक्वल टू लिखा है पाई बाई फोर। ये हो गया। अभी टैन इनवर्स इधर आके क्या हो जाएगा, टैन पाई बाई फोर। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स, तो यानी प्लस एक्स माइनस टू, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर। एक्स स्क्वायर माइनस फोर यहां भी आएगा और एक्स स्क्वायर माइनस फोर यहां भी आएगा, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और नीचे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस फोर आएगा और यहाँ पे भी आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर हो गया टैन पाई बाई फोर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब इससे आगे अगर हमें करना है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स क्या हो गया कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस टू माइनस फोर। नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू वन, टैन पाई बाई फोर वन होता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस वन, माइनस थ्री, माइनस थ्री इधर वन में आके मल्टीप्लाई हो गया माइनस थ्री, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री, माइनस फोर इधर आके क्या हो गया प्लस फोर, तो ये हो गया टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट टू। ये आंसर हो सकता है, लेकिन हमें ये ध्यान देखना होगा कि क्या ये एंगल जो है वो पॉजिटिव है। ध्यान से देखें, एंगल जो है वो क्या है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये दोनों ही एंगल पॉजिटिव होने चाहिए। तो एक्स अगर निगेटिव हम लेते हैं तो ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे निगेटिव, तो ये एंगल जो होगा वो निगेटिव होगा और ये एंगल जो होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या इसकी वैल्यू पाई बाई फोर हो सकती है? तो अगर हम माइनस वन बाई रूट टू लें या प्लस वन बाई रूट टू लें तो ये एंगल निगेटिव होगी, लेकिन अगर प्लस लेते हैं तो ये भी पॉजिटिव, प्लस वन बाई रूट टू लेते हैं तो ये भी, उसमें से ये माइनस होगा, इसको वन माइनस एक्स और टू माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसी स्थिति में ये पॉजिटिव ही होगा और दोनों ही वैल्यू इसके सही आंसर होंगे। ये आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बड़े मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस, बहुत ही आसान तरीके।
तो अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये लिखा है फाइंड वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। 16 में इसकी वैल्यू निकालनी, तो हम इसको लिख सकते हैं, चूंकि साइन इनवर्स साइन थीटा तभी लिखा जा सकता है जब थीटा किसके बीच में हो, थीटा हो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तभी ऐसा लिखा जा सकता है व्हेन थीटा इज लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। अगर ये इसके बीच में नहीं है तो नहीं लिखा जा सकता। तो ये जो एंगल है ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में नहीं है, इसलिए आप ये साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री को टू पाई बाई थ्री नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको इसको पहले इस एंगल में लाना चाहिए, इसलिए हम साइन टू पाई बाई थ्री को पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा लिखने के बाद क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, जरा ध्यान से देखें, पाई यहाँ आता है, ये इनिशियल लाइन है, पाई माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन ऑल साइन टैन कॉस होता है ना, तो आपको याद होगा। तो इस हिसाब से इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन पाई बाई थ्री। अब ये एंगल जो है, ये जो एंगल है हमारा, ये इस रेंज को वैलिड कर रहा है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए अब साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, अर्थात पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, और यही इसका आंसर होगा, है ना। तो आपको पता चल गया, इसलिए ये सब ध्यान रखना। इसी तरह से ये 17 क्वेश्चन जो है, इसमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू होता है, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा तभी होता है व्हेन थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, है ना। तो यहाँ पे ये 3π/4 माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में नहीं है, तो अगेन आपको सिमिलर कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई थ्री पाई बाई फोर, है ना, तब 3π/4 होगा। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये हो गया tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाई फोर इज पुट, ये हो जाएगा 3π/4, लेकिन ये जब क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो ऑल साइन टैन कॉस, है ना, इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाई फोर में साइन तो पॉजिटिव होता है लेकिन टैन क्या होगा, निगेटिव, इसलिए होगा ये माइनस टैन पाई बाई फोर। अब टैन इनवर्स माइनस थीटा इज माइनस टैन इनवर्स थीटा होता है, टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन इनवर्स एक्स होता है, ये आपको पता है, पहले हमने लिखवा रखा है। तो इस तरह से ये हो जाएगा माइनस टैन इनवर्स टैन पाई बाई फोर। अब इसको हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी माइनस तो पहले ही से है, ये पाई बाई फोर, तो आंसर ये होगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 18। 18 क्वेश्चन क्या है, ऊपर ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये लिखा है टैन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। हम दोनों को या तो साइन में लिख लें या दोनों को टैन में लिख लें या कॉट में लिख लें, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर में टैन है इसलिए दोनों को टैन में लिखना बुद्धिमानी होगी। तो साइन इनवर्स 3/5 को अगर मैं थीटा लिख दूं तो इसका मतलब है कि साइन थीटा 3/5 हो गया, यानी पी बाई एच हो गया। अगर एक ट्रेंगल बनाई जाए और यहाँ पी थीटा यहाँ हो, ये 3 है, ये 5 है, एच 5 है, तो ये क्या होगा, 4, पाइथागोरस थ्योरम से आपको पता ही है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर विच इज 16, सो बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, लेंथ है, नेगेटिव नहीं ले सकते। तो इसका मतलब हुआ कि tan थीटा कैन बी रिटन एज, देयरफॉर tan थीटा कैन बी रिटन एज, tan थीटा कितना लिख सकते हैं, tan थीटा p बाई b होता है,
पी बाई बी का मतलब हुआ 3/4, यानी थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 3/4, और थीटा है क्या, साइन इनवर्स 3/5 है ना। सो साइन इनवर्स, देयर फोर साइन इनवर्स 3/5 के बदले आप लिख सकते हो टैन इनवर्स 3/4। तो ये लिख देते हैं टैन इंटू टैन इनवर्स 3/4 प्लस कॉट को, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1/x, 1/x करने से ये हो जाएगा टैन इनवर्स 2/3। अब फॉर्मूला लगा देते हैं तो क्या होगा, अब फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो ये हो जाएगा टैन इनटू टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy 2/3। ये भी जो मल्टीप्लाई है एक्स वाई का वो है 3, 3 कैंसिल, और 2 से कट जाएगा 1/2 जो 1 से कम है, मतलब एक्स वाई 1 से कम है, इसलिए फॉर्मूला लगाया जा सकता है ना। तो क्या होगा, टैन ऑफ टैन इनवर्स, ठीक है, 9 + 8 = 17 बाई 12 होल डिवाइडेड बाई 4 × 3 = 12, 12 - 6 = 6/12, सो 12 12 कैंसिल हो गया, और यहाँ बच गया टैन इनवर्स टैन थीटा, टैन इन इंटू टैन इनवर्स 17/6, और ये हो गया टैन इनवर्स टैन ऑफ टैन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स, दैट इज 17/6। तो ये इसका आंसर हो गया। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई है ना, कि हमने क्या किया, सबसे पहले चूंकि बाहर में टैन है इसलिए इसको भी टैन में बदल दिया, इसको भी टैन बदल दिया, फिर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया। ऐसा करने से ये हो गया पूरा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - xy, फॉर्मूला तो आपको याद होगा ही होगा, और इस हिसाब से ये कैंसिल होकर के आपके पास बन गया कितना, 17/6। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19 है, जरा इस पे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 19। इसको करने के लिए लिखा है कि कॉस इनवर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब 7π/6 पाई से ज्यादा है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 to π है ना, तो 0 to π रेंज होता है, ये पाई से ज्यादा है, इसलिए इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं, हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई सिक्स, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा जी, पाई प्लस थीटा, यहां से पाई प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस पाई बाई सिक्स, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स माइनस कॉस पाई बाई सिक्स। इसका मतलब हुआ कि ये हो गया कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई सिक्स कितना हो गया, √3/2, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, और चाहे तो आप इसी को कॉस पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, चलिए ऐसा रहने देते हैं, आप वैल्यू रखने में आपको दिक्कत है तो आप ये लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स ये देखिए, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है, तो आप इस हिसाब से इसको लिख सकते हैं कितना, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स, ठीक है। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा हो गया, तो ये हो गया पाई बाई सिक्स, आंसर हो गया 5π/6, ये आंसर हुआ, इसका मतलब इसका ऑप्शन का आंसर बी सही है, ठीक है, ओके। नाउ 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, 20 और 21, ये दो क्वेश्चन है, ये है साइन ऑफ, देखिए ध्यान से, साइन ऑफ पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस पाई 1/2, इसकी वैल्यू होगी माइनस ऑफ पाई बाई सिक्स, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये चीज पूरी का पूरी क्या होगी, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ पाई बाई थ्री प्लस माइनस माइनस प्लस पाई बाई सिक्स, ये हो गया साइन पाई बाई टू,
और साइन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है, 1। इसलिए इसका आंसर होगा डी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, ये है टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री। टैन इनवर्स रूट थ्री तो आपको पता है कितना होता है, कितना होता है टैन इनवर्स रूट थ्री, पाई बाई थ्री है ना। कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री ये कितना होगा, तो ये होगा माइनस पाई बाई सिक्स, ये हो गया पाई बाई थ्री माइनस माइनस प्लस पाई बाई सिक्स, दैट इज टू पाई बाई टू, पाई बाई टू आंसर हो गया और इसकी वैल्यू हो गई पाई बाई टू। लेकिन इसमें एक क्या फॉल्ट है, कॉट इनवर्स का डोमेन आप कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो जीरो से पाई होता है, माइनस में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसका रेंज जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, ये लिखना पड़ेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री, ये हो गया पूरा चीज। तो ये हो गया, अब ये हो गया पाई बाई थ्री माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री, कॉट इनवर्स रूट थ्री हो गया पाई बाई थ्री माइनस पाई प्लस पाई बाई सिक्स, और ये कैलकुलेट करने के बाद हो जाएगा कितना, तो पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स इज पाई बाई टू माइनस पाई, दैट इज माइनस पाई बाई टू, इसलिए आंसर होगा बी। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इत कर पाएंगे, ठीक है ना। अगले एक्सरसाइज में फिर हम बात करेंगे, जो मिसलेनियस रह गया एक्सरसाइज जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का था वो खत्म हो गया, अब मिसलेनियस पे बात अगली क्लास में करेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप अवश्य पूछें, और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए आप एक बार वीडियो फिर से देखें, अगर कोई दिक्कत आती है फिर भी तो आप दोबारा इसे जरूर पूछें। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।